नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। जलाराम क्रिएशन एंड तृप्ति पिक्चर्स द्वारा मराठी फिल्म भ्रम का मुहूर्त किया गया। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव की धमाकेदार कॉमेडी के साथ एंट्री हो रही है। राजपाल यादव ने बताया कि उनकी मराठी की यह तीसरी फिल्म है, लेकिन यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण फिल्म होगा। मराठी हमारी कर्म भाषा है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारे संवाददाता महादेव गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। पहली बार मराठी फिल्म में काम करने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है भ्रम, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मराठी तीसरी फिल्म है, लेकिन ये जीवन की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि मराठी हमारी कर्मभूमि जो है वो भाषा का है, और मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का जलाराम बापा प्रोडक्शन का ये पहली प्रस्तुति है जी, और जलाराम प्रोडक्शन अपना राइट तो जलाराम फिल्म्स का जो ये अपना बैनर है, और पूरी टीम जो है एक परिवार की तरह है, और एक बढ़िया एक अलग तरीके की आपको अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक एक रियलिस्टिक इल्यूजन की फिल्म देखने को मिलेगी, तो मैं इसका हिस्सा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। सर, बॉलीवुड में काम करते, बॉलीवुड से मराठी में काम करना कितना? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो, हम लोग एक्टर हैं, हम लोगों को तो डायलॉग कम्युनिकेशन चाहिए, भाषा कोई भी। हम इंटरनेशनल फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं, और रीजनल फिल्में भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, हम परफॉर्मेंस करते हैं। हमें तो कोई फिल्म या कोई भी सब्जेक्ट जो दिल को छू जाए, वो किसी भी भाषा में हो, तो प्राउड फील होता है। ये तो फिर मराठी है, तो मराठी तो वैसे ही अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ सिनेमा है, जो पिछले कई सालों से एक बहुत अच्छा देश में इंस्पिरेशन वाला सिनेमा बन रहा है। चाहे टिंगिया ले लो, चाहे शिवाजी राव बोलते हो, चाहे कोई भी फिल्म था, बिंदास ले लो आप, तो मराठी फिल्मों का अपना एक अवसैराट तक अभी तो हम कर्म के लिए, हमारी फिल्म का नाम कर्म है, पूरी यूनिटी शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी कर्म भी मराठी सिनेमा की बहुत ही एक बहुत स्थापित और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मनोरंजन करने वाली फिल्म। किस तरह की भूमिका होगी? राजपाल यादव की भूमिका होगी वो एंटरटेनिंग होगी, उसमें मीनिंग होगा और मैसेज भी होगा। बेसिकली एक रिवेंज ड्रामा है, रिवेंज ड्रामा है बेसिकली। एक पोलीस कॉन्स्टेबल आणि एका गँगस्टरमध्ये हे सत्य असत्य या बेसवर आहे। शेवटी कर्म आपल्याशी कसं रिलेट करते, एखादा गुन्हेगार किती चांगल्या तऱ्हेने प्रमोट झाला, चांगल्या माणसाला किती डायव्हर्ट करायचा प्रयत्न केला तरी तो त्याला डायव्हर्ट करू शकत नाही, आणि चांगला माणूस त्याला गुन्हेगारीतनं बाहेर काढू शकतो, पण शेवटी गुन्हा केला आहे त्याचं त्याला शेवटी भोगावंच लागते, भले त्याचा प्रभाव कमी होतो। त्या बेसवर स्टोरी आहे, एक रिवेंज ड्रामा आहे चांगल्या आणि वाईटमध्ये। मोस्टली आम्ही मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये आम्ही स्टार्ट करतो आहे, कारण बाकी आमची सगळी प्रोसेस झालेली आहे, लोकेशन कास्टिंग सगळं फायनल झालेलं आहे, मेमध्ये आम्ही ते स्टार्ट करतो, फर्स्ट वीकमध्ये आम्ही लॉन्च करतो आहे। एक दीड महिन्यात आमचं शूट कम्प्लीट होईल, कारण एका बेसवरच जास्त आमचं शूट आहे एका लोकेशनला। लवकरात लवकर आम्ही ते तुम्ही तुम्हाला सांगू कधी काय रिलीज। नहीं नहीं, इनको तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और ये चार पांच मूवी का जो इन्होंने आज इनिशिएटिव लिया है, और कर्मा जिसमें राजपाल जी काम कर रहे हैं, आज एक हिंदी फिल्म के एक्टर मराठी फिल्म में आके अपना कला का प्रदर्शन करेंगे, और इससे एक हिंदी भाषिक और सामाजिक जो एक गठजोड़ भी बनती है, वह एक समाज के सामने आएगी आने वाले दिनों में। जितने समाज में आज जो चल रहा है राजनीतिकरण, उसका एक या शेप देने का काम कर रहे हैं डायरेक्टर जी, और हिंदी से मराठी में उनको बहुत ही परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की लिपि एक ही है। तो अपनी कला का जिस तरीके से अभी तक उन्होंने शौर्य दिखाते आए हैं, आगे भी और इसमें भी उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यही शुभेच्छा मुझे राजपाल जी से देना चाहता हूँ। चालू किया है प्रोडक्शन मराठी पिक्चर, ये पिक्चर राजपाल जी को लेके हम लोग
जी बताइए इनको लेके मुंबई बनता है जी। संदीप जो है मराठी के काफ़ी अच्छे राइटर हैं, फर्स्ट टाइम वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं मराठी में, फर्स्ट टाइम राजपाल या थर्ड टाइम लेकिन ये मतलब ये थर्ड टाइम आप कह सकते हैं कि ये मेन लॉन्चिंग जैसा होती है मराठी फिल्म में, जिस तरीके का रोल स्ट्रक्चर तो ये मतलब ये जो थर्ड फिल्में की हैं उसका ये निचोड़ इस फिल्म में देखने में मिलेगा। ओके सर ठीक है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।